हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पॉकेट अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएम ही स्टडी होता है, उसमें एब्सॉर्प्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रग का हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ड्रग कौन सा भी हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद में उसका एब्सॉर्प्शन होता है। एब्सॉर्प्शन होने के बाद जहां पे हमने वो ड्रग एडमिनिस्टर्ड किया है, जिस डोजेस फॉर्म से एडमिनिस्टर्ड, सपोज हमने आईवी से एडमिनिस्टर्ड किया है, तो वो एक ही जगह वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से दूसरी सेल तक पहुंचाना, दूसरी टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और इसकी वजह से एक सेल से दूसरी सेल तक हम ड्रग पहुंचाने की जो प्रोसेस करते होती है हमारे बॉडी में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रग पहुंचाने की प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स है, ब्लड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड टिश्यूज में फ्लो होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ए पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा होने की वजह से वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार होता है, और इसकी वजह से ब्लड में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में वो ब्लड हम उस ड्रग्स हम पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है हमारे बॉडी में, क्योंकि जहां पे हमने एडमिनिस्टर किया है वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई भी चीज ज्यादा होती है। तो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो दूसरी टिश्यूज में ड्रग्स पहुंचाने की प्रोसेस हमें हमारी बॉडी में होती है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल कैसे होता है, उसका स्टेप्स मैं आपके बताती हूँ। ये हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फर्स्ट परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंड ड्रग टू इंटरस्टिशियल टिश्यूज और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो बाहर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, पहले प्लाज्मा में जो ड्रग इंसर्ट करते हैं, पहले प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा से कैपिलरी की ए वॉल क्रॉस करके जो ड्रग फ्री हो गए, मतलब वो किसी के साथ बाउंड नहीं होंगे, ऐसे अनबाउंड ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले जाते हैं। जो हमारी कैपिलरी की एंडोथेलियम वॉल है उससे वो अंदर चले जाते हैं। बाद में वही सेकंड स्टेप इज परमिशन ऑफ ड्रग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रा सेल्यूलर, यहां से ये ड्रग्स इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले जाते हैं। जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल हो गए, ये जो लेयर है वो इजिली क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, और जो ड्रग्स पोलर हो गए उनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स यहाँ पे होते हैं, और उनके लिए कुछ बैरियर्स भी आते हैं, इसलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है इजिली यहां से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले जो कैपिलरी प्लाज्मा से में जो ड्रग्स होता है, कैपिलरी एंडोथेलियम वॉल जो है क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाता है, मतलब बाहर के फ्लूइड में। बाद में कैपिलरी मेम्ब्रेन हमारे जो बॉडी में डिफरेंट कैपिलरीज है, कैपिलरीज मतलब ऐसी कैपिलरी जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वहां से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, इसे हम कैपिलरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां से ये ड्रग इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में चला जाता है, कैपिलरी के जो अंदर है फ्लूइड उसमें जो ड्रग्स फ्री होगा वो इजीली क्रॉस करता है। ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा प्रोसेस होता है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जब ड्रग्स का होता है एक प्लाज्मा से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड तक, उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे उसका फर्स्ट फैक्टर है ब्लड फ्लो, सेकंड फैक्टर है टिश्यू परमिएबिलिटी। ब्लड फ्लो मतलब जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहां पे ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। उसके बाद में टिश्यू परमिएबिलिटी, टिश्यू की परमिएबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स प्लाज्मा के जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंडिंग हो गए हो तो उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। लिपिड सोल्यूबिलिटी मतलब ड्रग सोल्यूबल है लिपिड में या इनसोल्यूबल है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है। और पीएच पार्टीशन मतलब जो पार्टीशन है, जो फ्लूइड है उसका पीएच क्या है,
उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स डिपेंड होता है। तो दीज आर द फाइव इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा और भी परफ्यूजन रेट है, मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर वेट, ये भी डिफरेंट फैक्टर है, बट दीज आर द फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये हम अब वन बाय वन देखेंगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करने वाला हमारा फैक्टर है ब्लड फ्लो। जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होता है वहां डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। जो मोर परफ्यूज ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लीवर एंड हार्ट पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो पहले जो हम बॉडी में ड्रग इंसर्ट करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन लीवर, हार्ट और किडनी में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। और जहां ब्लड फ्लो कम होता है वहां बाद में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जो ड्रग्स है ब्लड के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा मतलब हार्ट, लीवर एंड किडनी में, वहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। फिर बाद में मसल्स, फैट और जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जो अदर्स ऑर्गन्स है जहां पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम है वहां पे वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ड्रग कब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब तक इक्विलिब्रियम लेवल आ जाती है, तब तक ड्रग मूव फ्रॉम प्लाज्मा टू अदर टिश्यूज, मतलब अदर टिश्यूज में भी उसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो फिर वो बांटना बंद कर देता है। वैसे ही प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा का ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और टिश्यू का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टॉप होता है। तब तक वो जब तक डिस्ट्रीब्यूट करता है जब तक उसके पास ज्यादा है। सो जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। वैसे ही कार्डियक आउटपुट, जो हमारे कार्डियक से ब्लड फ्लो ज्यादा आता है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट को, हार्ट में ज्यादा सप्लाई होने की वजह से हार्ट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड, टिश्यू परमिएबिलिटी, मतलब टिश्यू की परमिएबिलिटी, मतलब टिश्यू का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, कितना ड्रग टिश्यू में एब्सॉर्ब हो रहा है। तो इसके ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट उसके सब फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फिजिको केमिकल पैरामीटर्स आते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर्स आते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स में उसकी मोलिकुलर की साइज, मोलिकुलर साइज बड़ी होगी ड्रग्स की तो परमिएबिलिटी कम होती है। पार्टीशन कोएफिशिएंट आल्सो अफेक्ट ऑन टिश्यू परमिएबिलिटी। वैसे ही पीएच भी अफेक्ट करता है। ये देखो यहाँ पे मैंने ब्लड ब्रेन बैरियर या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स होते हैं कि जो ड्रग की परमिएबिलिटी को, जबकि एब्सॉर्प्शन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अफेक्ट करते हैं। ये तो ये यूजुअल नॉर्मल जो हमारी कैपिलरी होती है ऐसी होती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंसेस है उसके बीच में, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये कैपिलरी में एंटर कर सकते हैं ड्रग्स। बट यहाँ देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइट जंक्शनिंग है बिटवीन टू सेल, देर इज अ टाइट जंक्शनिंग, दैट्स व्हाई द ड्रग्स कैन नॉट इजीली एंटर इनसाइड द सेल। बिकॉज हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक सेल से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो उसकी दो सेल्स के, दो कैपिलरी के अंदर आएगा, यहां से निकल गया तो यहां आएंगे, फिर यहां से यहां चले जाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ डिस्टेंसिंग नहीं है, टाइट जंक्शनिंग है, इसलिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब टिश्यू परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ये ऐसे ब्लड ब्रेन बैरियर्स में बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को यानी ड्रग की ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर एक हमने देखा, वैसे ही ब्लड प्लेसेंटर बैरियर होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं वो प्लेसेंटा, मॉम्स की प्लेसेंटा से बच्चों की बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ब्लड प्लेसेंटर बैरियर। वैसे ही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी कुछ बैरियर्स होते हैं। ये क्यों होता है, टॉक्सिक कुछ ऐसे ड्रग्स होता है उससे हमारी बॉडी को बचने के लिए ऐसे कुछ बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। मतलब टिश्यू परमिएबिलिटी, मोलिकुलर साइज, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीएच एंड द डिफरेंट बैरियर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ द पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का पीएच क्या है, जो फ्लूइड है उसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका पीएच क्या है। यहाँ इस स्लाइड में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिपिड सोल्युबिलिटी एंड पीएच पार्टीशन। पीकेए मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। पीके क्या होता है, इट्स द पीएच एट विच हाफ ड्रग इज अनायनाइज्ड।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो अनायनाइज ड्रग होते हैं वो इजीली जो बैरियर्स है वो क्रॉस कर सकते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। तो आप लास्ट वीडियो भी देखिए ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ जाए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे आप वो वीडियो भी देख लेना एब्सॉर्प्शन का। जो पीएच ऐसा पीके क्या होता है, ऐसा एक पीएच होता है, वहां पे ड्रग अनायनाइज होते हैं और अनायनाइज ड्रग इजीली एब्सॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट एज कम्पेयर टू आयनाइज ड्रग। सो पीएच क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? अ वीक एसिड बिकम अनआयनाइज इन स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में अनआयनाइज होते हैं, मतलब अनआयनाइज हो गए तो उसका एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और वही वीक एसिड आयनाइज होते हैं न्यूट्रल और बेसिक इन्वायरमेंट में। सो पीएच वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपका पीएच कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या न्यूट्रल पीएच है या बेसिक पीएच है, उसके ऊपर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है। और लिपिड सोल्युबिलिटी का मैंने आपको पहले ही बताया, जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होते हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इजीली कैपिलरी की मेम्ब्रेन से पास होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। मतलब जो ड्रग्स है वो हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ड्रग यदि कंबाइन हो जाए तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा टाइम होता है, लगता है, क्योंकि वो कंबाइन हो गया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए और टाइम लगेगा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम ज्यादा लगता है। सो मोस्ट ऑफ द एसिडिक ड्रग जो होते हैं अल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होते हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ कंबाइन होते हैं। तो बाइंडिंग यदि टिश्यू के साथ हो गई, बाइंडिंग यदि ड्रग की प्रोटीन के साथ हो गई, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम लगता है। सो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको यहां बताती हूँ, आप जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। परफ्यूजन रेट, परफ्यूजन रेट भी एक फैक्टर से वो भी अफेक्ट करता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज परफ्यूजन मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट पर टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। मतलब पर ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, मतलब ml पर मिनट पर ml, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे परफ्यूजन रेट, मतलब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो परफ्यूजन रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे डेफिनेशन है कंफ्यूजिंग, बट उसको मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा वॉल्यूम जो कि नेसेसरी होता है ड्रग की फ्लो के लिए, ब्लड का ऐसा वॉल्यूम जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है और वहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन, हमने एक डायग्राम में देखा कि एक जगह से ड्रग दूसरी जगह पे जा रहा है, बट वो ड्रग जब तक जाता है जब तक उनके डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जब तक वो बांटा जाता है जब तक वो एक जगह पे वो ज्यादा होता है, ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट टिश्यूज में ऑर्गन्स में, बट वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो सडनली और स्टार्ट टू ड्रॉप डाउन, मतलब उसका वो वहां पे कम हो जाता है। इस प्रोसेस को रिवर्सिबल, इसलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला है, रिवर्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब वो फिर से वापस आ जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को, मतलब वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया टिश्यूज में तो वो बैक आ जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, परफ्यूजन रेट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मेटाबॉलिज्म के साथ। आई होप ये वीडियो मेरे आपको पसंद आई है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।